गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि आज मैं टॉप 10 टिप्स और ट्रिक्स कवर करूंगा। वीडियो बहुत यूजफुल है, तो बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। अभी हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कुछ मेंशन करेंगे, जैसे किसी भी सेल में एक्सेल टीचर टाइप करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हुआ। जो बेसिक एक्सेल यूजर होते हैं वो कॉलम विड्थ माउस का यूज करके इस तरह बार बार एडजस्ट करते हैं। दोस्तों अब इसको हम एडवांस ट्रिक में सीखेंगे, यानी कि हम जो भी टाइप करें, वर्ड छोटा हो या बड़ा, कॉलम में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हम कंट्रोल जेड करके ब्लैंक कर लेते हैं। देखिए, ऑटोफिट टू कंटेंट करने के लिए सबसे पहले अपनी वर्कशीट पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर व्यू कोड पर क्लिक करना है। अब इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ से वर्कशीट को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कोड मेंशन करना है। यहाँ पर लिखना है CELLS, यानी कि सेल्स। इसके बाद डॉट लगाना है, फिर इंटायर कॉलम लिखना है, जो कि आप सजेशन में देख सकते हैं। इसके बाद फिर डॉट लगाना है। अब ऑटो फिट मेंशन करना है, यह भी सजेस्ट कर रहा है। अभी हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। बस यही है आपका कोड। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर देना है। तो अब आपका कोड अप्लाई हो चुका है। अब आप इस फाइल पर जो कुछ भी टाइप करेंगे, चाहे वो छोटा वर्ड हो या बड़ा, या फिर कोई वैल्यू ही क्यों ना हो, कुछ भी टाइप करें, कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी हम किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर कोई सेल बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी कुछ टाइप करें वहाँ पर अपने आप सेल बॉर्डर आ जाए, तो देखिए अभी हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। दोस्तों जहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेल बॉर्डर देना है, सबसे पहले उतनी रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हम थोड़ी सी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद मेन्यू बार के होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ न्यू रूल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इधर देखिए, इस बॉक्स में क्लिक करना है। इसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद शिफ्ट के साथ लेस देन और ग्रेटर देन लगाना है। इसके बाद दो बार डबल कोट्स लगा देना है। दोस्तों इसमें जो डॉलर के सिंबल हैं, इन दोनों को यहाँ से हटा देना है। इसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये बॉर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आउटलाइन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर भी ओके करना है। तो दोस्तों अब आप जब भी कुछ टाइप करेंगे तो सेल बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 5 सब्जेक्ट और उनके मार्क्स दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इन कॉलम को अलग अलग सेलेक्ट करके सम करना होता है, तो अलग अलग सेलेक्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम आपको एक एडवांस ट्रिक बताएंगे। देखिए अभी हम हिंदी में सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसी पर राइट क्लिक करना है। अब लास्ट सेकंड ऑप्शन नेम ए रेंज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ नेम में देखिए हिंदी आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ओके कर देते हैं। इसी तरह अभी हम 8 सब्जेक्ट के सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसी पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेम ए रेंज पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। अब क्या करना है, देखिए किसी ब्लैंक सेल में इक्वल टू लगाते हैं। इसके बाद सम टाइप करना है,
फिर टैब को प्रेस करना है, फिर यहाँ पर हिंदी लिखेंगे तो देखिए सजेस्ट करने लगा। अभी हम टैब को प्रेस कर देते हैं, इसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर आर्ट लिखते हैं। अभी हम टैब को प्रेस करते हैं, इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से हिंदी और आर्ट के कॉलम को अलग सम कर लिया है। अगर आप इन कॉलम की वैल्यू को चेंज या मॉडिफाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ट्राई कर लेना जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस टेबल में यूनिट को सम करना है तो देखिए टोटल वाली सेल पर क्लिक करना है। दोस्तों सम करने के लिए Alt प्लस को प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि सम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैल्यू के साथ में टेक्स्ट भी मेंशन है। तो इसके भी एक एडवांस ट्रिक होती है, जैसे देखिए अभी हम इन सभी को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद डिलीट कर देना है, उसके बाद कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स ओपन करना है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन कस्टम पर आ जाना है, फिर साइड में यहाँ पर क्लिक करना है, फिर स्पेस को प्रेस करना है, उसके बाद डबल कोट्स लगाना है, इसके बाद KG लिखना है, फिर डबल कोट्स लगा देना है, इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू मेंशन करिए, सभी में KG अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जब भी आप इन्हें सम करेंगे तो सम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे देखिए अभी हम टोटल में कर्सर रखते हैं, फिर Alt प्लस को प्रेस करते हैं, इसके बाद इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट और वैल्यू साथ में सम हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक कैश मेमो बना रखा है, इस टेबल में कहीं पर फार्मूला लगा है और कहीं पर नहीं लगा है, लेकिन आप जानेंगे कैसे कि कौन कौन सी सेल में फार्मूले लगे हैं। बताने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी टेबल है तो सिंपली अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद F5 या Ctrl+G को प्रेस करना है। अब यहाँ स्पेशल पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर फार्मूलाज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर लॉजिकल और एरर को अनचेक कर देना है, इसके बाद ओके कर देना है। बस यहाँ पर देखिए जितनी सेल सेलेक्ट हुई उनमें फार्मूला लगा है। अगर इनको हाईलाइट करना है तो होम टैब में कलर ऑप्शन से कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि देखने में पता चल रहा है कि इन सेल्स में फार्मूला लगा हुआ है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते हैं कि ये फाइल कहाँ पर सेव थी, यानी कि डेस्कटॉप पर सेव है या किसी ड्राइव में। इसी को देखने के लिए हम एक फार्मूला बता देते हैं। देखिए सबसे पहले किसी ब्लैंक सेल में इक्वल टू लगाना है, इसके बाद सेल टाइप करना है, फिर टैब को प्रेस करना है, फिर यहाँ पर आपको फाइल नेम पर डबल क्लिक करना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए फाइल का पाथ यानी कि फाइल की लोकेशन सामने आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फाइल किस लोकेशन में सेव है। ओके आपके पास ये लिस्ट है जिसमें किसी नाम के आगे मिस्टर नहीं लगा है। अब अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि इन सभी के आगे मिस्टर लगाओ तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक फार्मूले का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, इसके बाद डबल कोट्स लगाना है। अब यहाँ पर उस वर्ड को मेंशन करना है जो आप सभी नामों के आगे ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर मिस्टर लिखते हैं। इसके बाद स्पेस देना है क्योंकि ये जो नाम है अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये मिस्टर और नाम एक ही में मिल सकता है। स्पेस देने के बाद डबल कोट्स लगा देना है, इसके बाद एंड का सिंबल लगाना है, इसके बाद आपको अपनी लिस्ट का पहला नाम सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए कि अब ये हमारा एक नाम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि गुफरान नाम के पहले मिस्टर लग चुका है। ओके
इसके बाद इसी को पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेल के 30 टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वीडियो देख लेना ताकि आप भी एक्सेल मास्टर बन जाएं। कभी कभी ऐसा डेटा टाइप करना होता है जिसमें कुछ सेल्स या रो बार बार रिपीट होती हैं, जैसे इस डेटा में सिटी है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं बस केवल 3 सिटी के ही हैं और बाहर का कोई नहीं है, तो इसकी एक ड्रॉप डाउन बनाकर एंट्री करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले सिटी वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद मेन्यू बार में डेटा टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद इधर देखिए, डेटा वैलिडेशन के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग पर ही रहना है। इसके बाद नीचे अलाउ वाले इस ऑप्शन को ओपन करना है। दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट को चूज कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन सोर्स वाले इस बॉक्स में क्लिक करना है। अब आपको जो सिटी ड्रॉप डाउन में देना है उनको सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए, अभी हम इन तीनों सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद सिंपली ओके कर देना है। बस अब आपकी ड्रॉप डाउन बन चुकी है। सिटी वाले कॉलम में किसी भी सेल पर देखिए, अब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा बल्कि ड्रॉप डाउन की मदद से फटाफट सेलेक्ट करते जाइए, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी टेबल है जो कि कॉलम वाइज है, आपके बॉस ने कह दिया कि इसको फटाफट रो वाइज कर दो, तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। इसके बाद किसी ब्लैंक सेल पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल आल्ट वी को प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोज ऑप्शन पर जाने के लिए केवल ई को प्रेस कर देना है। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, हमारा डेटा कितनी आसानी से ट्रांसपोज हो चुका है। जब कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसी के नीचे उसका आर्गुमेंट आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप उस आर्गुमेंट को सेव करना चाहें या फिर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। उसके भी एक ट्रिक होती है। मान लीजिए अभी हमको एच लुकअप फार्मूले का आर्गुमेंट कॉपी करना है, तो देखिए किसी ब्लैंक सेल में इक्वल टू लगाना है। इसके बाद एच लुकअप टाइप करना है, फिर टैब को प्रेस कर देना है। तो नीचे यहाँ पर देखिए, फार्मूले का आर्गुमेंट आ चुका है। इसे ही कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ए को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए, एच लुकअप फार्मूले का पूरा आर्गुमेंट शो हो चुका है। अब आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, फिर जहाँ पर चाहें पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी फार्मूले का आर्गुमेंट देखकर कॉपी कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारी टीचिंग कैसी है, हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।